सो गाइस अभी हम लोग बस में थे, हमने थोड़ा सा वहाँ पे ट्रैवल करा, फिर हम लोग मेट्रो में आ गए। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। सो गाइस अभी दिवाली भी आने वाली है और भाई दूज भी आने वाला है, तो उसके लिए हमें थोड़ी सी स्वीट्स लानी है और हमें थोड़े से गोले भी लाने हैं भाई दूज सेलिब्रेट करने के लिए। तो आज हम जाने वाले हैं इंडियन स्टोर, तो वहाँ पर जाने के लिए हम जाने वाले हैं वैली लाइन ट्रेन से। आज का उसका एक्सपीरियंस थोड़ा सा अलग रहेगा क्योंकि हम लोग इंडियन स्टोर भी जाने वाले हैं उसी के साथ। तो पिछली बार हम गए थे उस हम स्टेशन पर रुक के हम डाउन टाउन वापस आ गए थे, लेकिन इस बार हम लोग इंडियन स्टोर जाने वाले हैं, तो चलो चलते हैं। सो गाइस एक बार ये और हम लोग मेट्रो में बैठ गए हैं, देखिए यहाँ से भी डाउनटाउन का व्यू आ रहा है। तो हमारा सेकंड टाइम है इस मेट्रो में बैठने के लिए, देखिए ये बाहर का व्यू है। सो गाइस देखिए अभी हम लोग हैं टावर्टीना ब्रिज के ऊपर और देखिए वहाँ पर सामने एकदम प्यारा सा ब्यूटीफुल आ रहा है, डाउन टाउन का व्यू आ रहा है और यहाँ पर भी नीचे है सस्कैचुअन रिवर। सो गाइस जब हमने पिछला व्लॉग बनाया था, जब हमने आपको पहली बार ये ट्रेन दिखाई थी, अपना एक्सपीरियंस बताया था, जब उसका पहला दिन था इनॉग्रेशन का इस ट्रेन का, तब तो इतने सारे लोग थे, इतनी भीड़ थी, लेकिन आज देखिए यहाँ पे इतने कम लोग हैं। तो मुझे तो लगता है कि मुझे फर्स्ट दिन आए थे बस एक्सपीरियंस करने आए थे, बाकी जिन लोगों को काम है, जैसे कि अभी हम लोग इंडियन स्टोर जा रहे हैं तो अभी हम लोग मेट्रो में हैं। तो गाइस अभी हम लोग मेट्रो से बस में आ गए हैं, अभी हमें थोड़ा सा बस में भी ट्रैवल करना है, एकदम थोड़ा सा टाइम लगेगा यहाँ से, फिर हम इंडियन स्टोर पहुँच जाएंगे। देखिए यहाँ से भी थोड़ा सा एक व्यू है पार्क का, वेट करते हैं और चलो इंडियन स्टोर चलते हैं शॉपिंग करने। सो गाइज अभी हम लोग इंडियन स्टोर वाले रेस्टोरेंट के पास भी आए हुए हैं और यहाँ पे देखिए दिवाली की स्वीट्स मिली है, तो हमने सोचा यहाँ से क्यों ना थोड़ी सी स्वीट्स बाय कर लें। और यहाँ पे देखिए इतने अलग अलग टाइप की हैं, मतलब ये तो मैंने पहली बार देखा है। सो गाइज मिठाई रखने के लिए इन लोगों ने बॉक्सेस भी दे रखे हैं, तो अभी हम लोग इसमें स्वीट्स रखेंगे अपने और ले जाएंगे फिर बाय करके। सो गाइज अभी हम लोग मिल्क केक ले रहे हैं और मेरे को मिल्क केक इंडिया से ही पसंद है, मैं उसे बहुत ज़्यादा खाती थी जब भी ऐसे स्पेशल ओकेशंस होते थे, तो मैंने मम्मा को बोला कि मिल्क केक भी ले लेते हैं। सो गाइज अभी हम लोग ले रहे हैं काजू कतली, मेरे भाई को ये स्वीट बहुत पसंद है, तो हमने सोचा कि चलो ये भी ले लेते हैं। गाइज यहाँ पे तो इतनी अलग अलग तरीके की मिठाई थी, मैं आपको बता नहीं सकती, मतलब मैंने इतनी सारी मिठाई देखी है बट वो इंडिविजुअली देखी है, यहाँ पे सारी एक साथ ही, मतलब मज़ा ही आ गया इनको देख के। सो गाइज यहाँ पे हम थोड़ी सी ग्रोसरी शॉपिंग भी कर रहे हैं, यहाँ पे मम्मा ले रही हैं बीन्स। सो गाइज अभी हम लोग ले रहे हैं भिंडी, लेकिन यहाँ पे लोग बोल रहे हैं ये है इंडियन ओकरा, तो चलो लेते हैं इंडियन ओकरा। सो गाइज अभी मम्मा ले रही हैं करेला, जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन हमारी फैमिली में खाते हैं तो ले लेते हैं। तो गाइस ये धनिया एकदम फ्रेश है यहाँ पे, चलो ये भी ले लेते हैं। तो गाइस ये है मेथी, मेथी भी ले रहे हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए पालक को फ्रेश करने के लिए उन्होंने यहाँ पे देखिए आइस लगा रखी है, तो मतलब यहाँ पे फ्रेश रहता है इसमें। तो गाइस ये है मिंट, अभी हम लोगों ने मिंट लिया है, देखो कितना फ्रेश फ्रेश। सो गाइस देखिए अभी हम लोग ले रहे हैं गोले भाई दूज सेलिब्रेट करने के लिए, तो अभी मम्मा देख रही कि कौन से अच्छे हैं तो वही लेंगे। सो गाइस अभी हम लोग ले रहे हैं रंगोली कलर, ये मल्टी कलर है इसके अंदर, तो हम यही लेंगे रंगोली बनाने के लिए घर पे। सो गाइस देखिए यहाँ पे आज इतनी ज़्यादा भीड़ हो रही है, लोग दिवाली के लिए भी शॉपिंग करने आए हैं और वैसे भी ग्रोसरी शॉपिंग करने आए, लेकिन आज दिवाली की शॉपिंग भी, अब दिवाली आने वाली है तो लोग दिवाली की भी शॉपिंग कर रहे हैं। देखो इतनी ज़बरदस्त भीड़ लगी हुई है यहाँ पे, पहले मतलब जब वैसे कोई फेस्टिवल नहीं था वहाँ पर तो इतनी भीड़ नहीं लगती थी, लेकिन आज ये कुछ ज़्यादा ही भीड़ है, तो ये चीज़ भी मैंने एक्सपीरियंस करी यहाँ पर। देखिए और गाड़ियाँ आती जा रही हैं, सब लोग अपनी शॉपिंग कर रहे हैं अंदर जाके। सो गाइस अभी हम लोग बस का वेट कर रहे हैं फिर चलते हैं घर। सो गाइस अभी हम लोग बस से मेट्रो में बैठ चुके हैं, क्योंकि बस से मतलब तो थोड़ा सा ही 10 मिनट का ही रास्ता था मेट्रो स्टेशन तक का, तो हम लोगों ने बस ली, फिर अभी हम लोग मेट्रो में आ गए, अभी जा रहे हैं घर। गाइस देखो सनसेट का कितना प्यारा व्यू आ रहा है यहाँ से। हमारी मेट्रो की जर्नी पूरी हो चुकी है, हम लोग डाउनटाउन में पहुंच चुके हैं, तो चलो अभी अपने घर चलते हैं। सो गाइस डाउनटाउन का व्यू कुछ रात में ऐसा दिखता है, ये देखिए लाइट से एकदम जगमगा गया है, तो चलो अब अपने घर चलते हैं। सो गाइस आज फाइनली है दिवाली, सो जो भी लोग मुझे देख रहे हैं उन सभी को हैप्पी दिवाली, आई होप आप सब लोग खुश रहे, हैप्पी रहे अपनी जिंदगी में। तो अभी हम लोग सेलिब्रेट करेंगे दिवाली, अभी तो दिन हो रहा था, अभी हम पूजा वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं अपना, एंजॉय कर रहे हैं फेस्टिवल को।
सो गाइस अभी हम लोगों ने सुबह की पूजा कर ली और ये है हमारा आज का ब्रेकफास्ट। तो मम्मा ने बनाया है पराठे, खीर एंड आलू की सब्जी, तो एकदम मस्त सा ब्रेकफास्ट है। चलो अभी करते हैं। सो गाइस ये देखिए, ये है हमारे सारे रंगोली के कलर। अभी हम लोग रंगोली बनाने वाले हैं, तो कल हमने आपको व्लॉग में भी दिखाया था कि हम ये सारे मल्टी कलर वाले लाए थे। तो चलो अभी फटाफट से इन मस्त मल्टीपल कलर से रंगोली बनाते हैं। सो गाइस देखिए, अभी हमने अपना रंगोली का काम शुरू कर दिया है। तो यहाँ पे देखिए, अभी हम लोग रंगोली के पैकेट सारे खोल रहे हैं, प्लेट्स ले आए डिज़ाइन बनाने के। यहाँ पे थोड़ा सा हमारा व्हाइट कलर नहीं था, तो हमने जुगाड़ करके हमने आटा ले लिया है फ्लोर। सो अभी हम बनाएंगे अपनी रंगोली मस्त से, और आपको अभी दिखाएंगे प्रोसेस की हम कैसी रंगोली बना रहे हैं। सो गाइस यहाँ पे हमें गोलगप्पे भी आसानी से नहीं मिलते हैं, और बहुत मतलब इंडियन स्टोर में जाना पड़ता है, उस पर हर बार तो हम वहीं पे ही खा पाते हैं। लेकिन आज देखिए मम्मा ने घर पे ही बनाया है। तो देखिए हम पूरा गोलगप्पा अपना तैयार कर रहे हैं। यहाँ पे आलू वगैरह है सारे, यहाँ पे है खट्टा पानी, यहाँ पे है मीठा पानी, एंड यहाँ पे भी देखिए और भी गोलगप्पे पूरी स्टैक है। तो देखो अभी हम गोलगप्पे तैयार कर रहे हैं। पापा मुँह में पानी आ रहा है क्या? हाँ यार मुँह में पानी आ रहा है। सो गाइस देखिए गोलगप्पे इतने ज़्यादा स्पेशल हो गए हैं, अब चलो जल्दी से करते हैं। मज़ा आ गया गाइस, बहुत टेस्टी बने हुए हैं एकदम, जैसे हम लोग मतलब खाते थे ना शॉप्स वगैरह पे जाके, बिल्कुल वो वाला शानदार बनाया है। मीनाक्षी ने बहुत मेहनत की है बनाने के लिए, और वाकई में रिजल्ट आया है एकदम शानदार लग रहे हैं, बहुत प्यारे। सो गाइस हमारी दूसरी डिश भी आ गई है, और आप मेरी एक्साइटमेंट देख भी रहे होंगे। तो ये देखिए, ये है दही बड़े, और ये मेरे को इतने ज़्यादा पसंद है। तो चलो इन्हें भी टेस्ट करके खाते हैं, बहुत ज़्यादा यम्मी लग रहा है। सो गाइस यार हमें तो डिशेस खा के इतना मज़ा आ गया, मतलब वो शॉप पे यहाँ पे तो मिलती भी नहीं है, और हमने घर ही बनाई, हमें पता भी था कि सारे अब सब कुछ मज़ेदार था। मज़ा आ गया डिश खा के, एकदम चटपटा सा हो गया मुँह, अब आया मज़ा। ये ऐसा लगा कि हमने इंडिया का स्ट्रीट फूड दोबारा खा लिया। सो गाइस हमारी शाम की पूजा के लिए सारी प्रिपरेशन हो गई। देखिए हमारे यहाँ पे बीच में प्यारी से रंगोली है, यहाँ पे दिए हैं, और यहाँ पे भगवान जी की मूर्ति है। सो यहाँ पे देखिए हमारे पूरी सारी प्रिपरेशन हो गई है, चलो पूजा करते हैं। दिवाली की पूजा कंप्लीट कर ली है, अब हम थोड़ी सी स्वीट्स खाएंगे और थोड़ा सा खाना भी खाएंगे डिनर के लिए। और गाइस आज के लिए हमारे पास दिवाली इतनी ही थी, अगर हम इंडिया में होते तो हम थोड़े से पटाखे भी जलाते हैं और कुछ और चीज़ें भी करते हैं हम फन के लिए, लेकिन यहाँ पे वो कैनेडा में कुछ चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाई। लेकिन हमने पूरे अच्छे से अपना त्यौहार मनाया, हमने पूरे अच्छे से बहुत मज़े से दिवाली सेलिब्रेट करी। सो गाइस अभी हो गया है डिनर टाइम, और हमारी फैमिली में लोग दाल चावल ही बनाते थे, तो ये हमारा मतलब था कि डिनर में हम दाल चावल ही बनाना है। तो देखिए हमारा डिनर रेडी हो गया है, दाल चावल, तो चलो हम अच्छे से डिनर करते हैं। सो गाइस आज के ब्लॉग के लिए बस इतना ही। आप लोगों ने देखा कि हमने यहाँ पे कनाडा में पहली बार दिवाली कैसे सेलिब्रेट करी, मतलब मुझे तो अच्छा लगा, और अगर हम इंडिया में होते तो हम कुछ ज़्यादा और भी फन कर सकते थे, क्योंकि इंडिया में तो ये उसका फेस्टिवल ही है यहाँ पे दिवाली, तो वो वहाँ पर ज़्यादा अच्छे से बन सकता था। लेकिन कनाडा में भी ये पॉसिबल है कि आप दिवाली मना सको, मतलब यहाँ पे पटाखे नहीं छुड़ा पाए क्योंकि वो यहाँ पे अलाउड नहीं है, मतलब क्योंकि पॉल्यूशन होता है, तो इसलिए तो इंडिया में वो कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे हमने अलग अलग तरीके से दिवाली मनाई, यहाँ पे हम अपने दिए वगैरह सब लेके आए, हम रंगोली भी बनाई, हमने पूरे सेटअप करके हमने अपनी अच्छे से पूजा करी, हम सारा सामान इंडियन स्टोर से ले आए थे पहले ही, तो इसीलिए आप लोग ने देखा होगा। तो आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद है, ब्लॉग पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।